एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए हमने ये जिक्र किया था कि वेरिएबल्स होते हैं ना व्हाट आर वेरिएबल्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स दैट वी स्टडी लेट्स हैव अ लुक वेरिएबल एक ऐसा एलिमेंट फीचर ऑफ फैक्टर है जो चेंज हो सकता है सो द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल इज़ That it is an element, feature, or factor that can vary or change, such as a characteristic or a value. Variables play a critical role in the psychological research process and they are generally used in psychology experiments to determine if changes to one thing result in changes to another. Increase in dosage leads to decrease in pain so that is a good example of how change in one variable leads to a change in another why we call them both variables because pain can also change and dosage of medicine can also change something which cannot change or you cannot control is not a variable for experiment Types of variables, independent variable, dependent variable, and extraneous and confounding variables. So, in the independent variable is the variable which is studied as yielding an effect on the dependent variable. That is actually the one that we control. दवाई ज़्यादा देनी है या कम देनी है ज़्यादा शोर होगा या कम होगा हीट या टेम्परेचर ज़्यादा किया जाएगा या कम किया जाएगा दिस इज इन एक्सपेरिमेंटर्स कंट्रोल इसको हम कंट्रोल करते हैं इसको हम मैनिपुलेट करते हैं और फिर जैसे दो घंटे की स्टडी चार घंटे की स्टडी तीन दिन की स्टडी अकेले स्टडी दो लोगों के साथ स्टडी या ग्रुप में स्टडी इस तरह की हमने कंडीशंस बना दी अब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है स्टडी का इफेक्ट किस चीज़ पे देख रहे हैं परफॉर्मेंस ऑन अ टेस्ट कितने करेक्ट आंसर्स दिए तो मैनिपुलेट हम स्टडी टाइम को कर रहे हैं एक बड़ा मशहूर अक्सर होने वाला एक्सपेरिमेंट है नींद की कमी का जिसको हम स्लीप डेप्रीवेशन कहते हैं उसका हमारी टेस्ट परफॉर्मेंस पे क्या असर होता है तो स्लीप डेप्रीवेशन इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो एक्सपेरिमेंटल मेजर करता है ये देखने के लिए कि ये हमने कंट्रोल किया था तो इसका क्या असर दूसरे वेरिएबल पे हुआ है टेस्ट परफॉर्मेंस डिपेंडेंट वेरिएबल है और स्लीप डेप्रीवेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कंफाउंडिंग वेरिएबल्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे रिज़ल्ट को किसी तरह से इंटरफेयर कर सकते हैं वो भी एक रिज़ल्ट दे सकते हैं आपको वो और वो इस वजह से दे सकते हैं क्योंकि उनका भी कोई ताल्लुक जिस चीज़ को आप असेस कर रहे हैं उससे हो सकता है मसलन नींद की कमी के अलावा किसी को जगा के आप टेस्ट करने को कहें उसके अलावा भी टेस्ट परफॉर्मेंस पे कुछ चीज़ों का असर होता है आ, कितनी तैयारी की या आप कितने लायक हैं या आपकी मेमोरी में तो नहीं कोई कमी तो आप जाग रहे हो या पूरी नींद लेकर आए हो हों मुमकिन है कि आपकी टेस्ट परफॉर्मेंस में जो प्रॉब्लम है वो इसलिए आ रहा है कि आपको वर्ड्स याद नहीं रहते लंबे या लंबे फार्मूलाज याद नहीं रहते या इसी तरह विज़न कम हो सकता है तो ये कंफाउंडिंग वेरिएबल है और ये कन्फ्यूज़ करते हैं इसका मैं मिसाल भी पेश करूँगी आगे ये डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर असर डालते हैं तो हमें फिर ये पता नहीं चलता कि जो रिज़ल्ट निकले हैं वो ये तीसरे फैक्टर की वजह से तो नहीं है एक बाहर वाला फैक्टर जो कन्फाउंडिंग कर रहा है मसलन फ़िज़िकल एक्टिविटी से दिल की जो डिज़ीज़ है उसके बारे में कहा जाता है कि वो उसके लिए उसको कम करती है उसके चांसेस को लेकिन इसके बीच में कन्फाउंडिंग बात है किस उम्र के लोगों को आप स्टडी कर रहे हैं अगर एज को कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो कन्फाउंडिंग पैदा करेगा क्योंकि आप कह रहे हैं कि मैं हमने बूढ़े लोगों यंग लोगों पे किया हो सकता है ओल्डर एज के ऊपर एक्सरसाइज का वो असर दिल के मर्ज पे ना होता हो जो यंगर में हो रहा है तो ये कन्फाउंड करेगा इसलिए ऐसी चीज़ों को हमें कंट्रोल करना होता है एक और टर्म हमने यूज़ की है एक्सट्रेनियस जैसे एक्सटर्नल होता है एक्सट्रेनियस फालतू आर एनी वेरिएबल्स दैट वी आर नॉट स्टडिंग इंटेंशली हम अपने एक्सपेरिमेंट में उनको इरादतन नहीं स्टडी कर रहे लेकिन वो इफेक्ट कर सकते हैं जैसे शोर या टेम्परेचर उस कमरे में जहाँ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कर रहे हैं अपनी लैब में या थकन किसी पिछली और काम करने की वजह से या एक्सपेरिमेंटर का वहाँ पे होना भी आपक, आपके असल रिजल्ट को इफेक्ट कर सकता है तो ये ऐसे वेरिएबल हैं जिन्हें हम स्टडी नहीं कर रहे लेकिन वो आपके रिजल्ट को एक्चुअली इफेक्ट करेंगे या उसके ऊपर असर असरअंदाज होंगे तो हम हर एक्सपेरिमेंट में चाहते ही हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे असर देखें इफेक्ट देखें और उसके बारे में कोई स्टेटमेंट दे सकें तो ये जो अनडिज़ायरेबल वेरिएबल्स हैं ये आईवी का डीवी पे जो इफेक्ट है वो उसको असरअंदाज करते हैं और अक्सर ऐसा भी होता है कि इन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता ये चार किस्म के हैं सिचुएशन के एनवायरनमेंट के जैसे मैंने कहा शोर या गर्मी या बहुत तेज़ लाइट पार्टिसिपेंट या पर्सन वो खुद ही डिफरेंट है और उसकी कोई चीज़ की वजह से जो आपको पता नहीं है वो अफेक्ट कर रही है रिजल्ट को या एक्सपेरिमेंटर और इन्वेस्टिगेटर एक ख़ास अंदाज से कुछ कर रहा है उससे इफ़ेक्ट हो रहा है और तजर्बा करने के दौरान उनकी कोई तो जैसे हम डिमांड करैक्टरिस्टिक्स कहते हैं कि मैं क्यों आया हूँ और ये मेरे से क्या तो कर रहे हैं कि मैंने क्या करना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल था कैफ़ीन डिपेंडेंट वेरिएबल था कि हमने कितने लफज याद रहे जिन्होंने चाय पी हुई थी अब उस पर किस टाइम में पूछा जा रहा है कितनी चाय पी थी और शोर तो नहीं है जिसमें आपसे वो वर्ड रिकॉर्ड कराए जा रहे हैं ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इफ़ेक्ट कर सकती हैं जबकि हम तो सिर्फ कैफीन को स्टडी करना चाहते हैं